सो गाइस, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगी, क्योंकि जो लोग भी रोडीज़ के फ़ैन हैं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँ कि मैं भी जब यहाँ पे था अपने सेकेंड ईयर में 2019 में, तो मैं भी रोडीज़ के ऑडिशन के लिए गया था, जिसकी पोस्ट आपके सामने है। उसके लिए मैंने काफ़ी तैयारी की थी, लेकिन छोटा था इसीलिए सिलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन आपके साथ एक जर्नी ज़रूर शेयर करनी चाहूँगा अपनी, कि मैंने कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। तो चलो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो ये मैं पहले एक दिन पहले खरड़ में अपने दोस्त के घर फ्लैट में रुका था, जहाँ से फिर हम सुबह सुबह 3 बजे निकले थे चंडीगढ़ जाने के लिए, जहाँ पे ऑडिशन था। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, अप्रॉक्सीमेट 8 डिग्री टेम्परेचर था। 4:30 बजे का समय, मतलब 3 बजे निकले थे, ठीक है, उसके बाद 8 डिग्री का टेम्परेचर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। और हम बाइक पे जा रहे थे ऑडिशन देने के लिए, हमको लगा कि वहाँ जाके बिल्कुल भीड़ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 5:30 बजे पहुँचे, तो देखा कि लोग अलग अलग शहरों से आए हुए हैं और लाइन में बहुत की तरह, मतलब 500 से ऊपर बंदे होंगे जो आए होंगे ऑडिशन देने के लिए। और 8 बजे ऑडिशन शुरू थे, लेकिन हम 5 बजे आ गए थे, लेकिन लोग एक एक दिन पहले आ गए थे, सड़कों पे सो रहे थे, सब कुछ करने के लिए। मतलब जो जुनून, जो पागलपन मैंने देखा, वो मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, ठीक है। तो उसके बाद हम भी ऐसे ही लाइन में खड़े हुए, तो लाइन में खड़े होने के बाद क्या हो रहा था, वो कह रहे थे वो लाइन में खड़े हो, बाहर जाओ, पीछे आओ, जो पहले आए, ऐसे ना, बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो और ऊपर से ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लोगों का जुनून और जोश आप देख पा रहे हैं कि क्या जुनून है, कितनी भीड़ थी। तो आप सब भी ऐसे ही एक बार अगर रोडीज़ में जाना चाहे, तो रोडीज़ का एक्सपीरियंस ज़रूर कर सकते हैं फील। उसके बाद हम खड़े रहे 2-3 घंटे खड़े रहे। 8 बजे क्या होते हैं, गेट खुलने थे, लेकिन तब तक हमको लाइन में खड़े रहना था। और फिर हम सब लाइन में लग गए, फिर हमको टोकन्स मिल रहे थे कि तुम्हारा कितना नंबर है, वो टोकन के हिसाब से ही तुम अंदर जाओगे। अगर तुम्हारा टोकन नहीं है, तो तुम अंदर नहीं जा सकते, तो देख सकते हो। उसके बाद बहुत मुश्किल से 8 बजे जब गेट खुले, हमारी बारी आई, है ना। उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब खड़े रहे हम यार लगातार, सुबह 5 बजे से खड़े थे। उसके बाद ये 11 बजे का कुछ समय हो गया था, तब तक हम खड़े थे। और उसके बाद फाइनली 3 बजे जाके दोपहर को हम बिल्कुल, मतलब जहाँ से एंट्री होनी थी मेन ऑडिशन हॉल में, वहाँ पर पहुँच पाए। मतलब सुबह 5 बजे से लेके खड़े थे हम दोपहर के 3 बजे तक, तब जाके कहीं मुश्किल से हमारी बारी आई, हमको टोकन मिला। फिर हमको वहाँ पे उन्होंने ऑडिशन हॉल में बिठा दिया, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, जब हम अंदर जा रहे थे उससे पहले हमको और भी जितने भी एक्स रोडीज थे, सब लोग आके मोटिवेट कर रहे थे, बातें कर रहे थे हमसे, क्योंकि अपने अंदर वो जज्बा है कि कुछ कर दिखाना है। आप लोग को ये पता है कि रोडीज चंडीगढ़ क्यों आता है हर साल? हमेशा जुनूनी जज्बा, जज्बा चंडीगढ़ पंजाब पे टैलेंट। इस बार पर्सनली आप लोगों से बात कर पाऊँ, आप लोग से इंटरेक्ट करूँ, आप पर्सनली। उसके बाद फाइनली हम पहुंचे, बिल्कुल सामने हॉल की एंट्री है, मतलब जिस जगह पे हम खड़े थे उस हॉल के अंदर अभी एंट्री होनी थी। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारी लाइनें बनी हुई थी, है ना। तो हॉल ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सबके लिए हैंडल करना। उसके बाद फाइनली मेरे को 403 नंबर मिला, मतलब मेरे आगे 403 लोग थे। फिर हमको ऑडिशन हॉल में बिठा दिया, और ऑडिशन हॉल में जैसा आप सबको पता ही होगा कि फॉर्म्स दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन वाले जो जजेस वगैरह रीड करते हैं ना, वो सारे फॉर्म्स दिए गए। फिर वो फॉर्म्स हम भर बैठ के भर रहे थे, उन क्वेश्चंस के आंसर वगैरह। तो उसके फिर साथ साथ यहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहे थे, तो लोग बहुत मतलब मज़ा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर बारी बारी सबको करके ग्रुप डिस्कशन राउंड में ले जाया जा रहा था, जहाँ पे GD होती है, GD1 जिसको बोलते हैं, GD1 GD2 ऐसे राउंड होते हैं। तो पहले GD राउंड के लिए सबको बारी बारी 10-10 बंदे करके, 12-12 बंदे करके सबको लेके जा रहे थे, उनके टोकन नंबर के हिसाब से, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो अभी आप देख सकते हैं, ऐसा मैं कुछ यहाँ पे बैठ के फॉर्म भर रहा था, आंसर्स भरने थे हमारे, सबको छातियों पे चिपका दिए थे स्टिकर्स वगैरह, है ना, हमारा नंबर कितना है उसके हिसाब से अंदर जाना था। उसके बाद फिर यहाँ पे भी हमको काफ़ी देर बैठना पड़ा, मतलब 2 से 2.5 घंटे इस हॉल में भी बैठे रहना पड़ा मेरे को। तो कहीं जाके शाम को 6:30 बजे हमारी बारी आई थी, जब हमको GD राउंड में ले जाया गया। वहाँ पे हमारे फ़ोन वगैरह सब सबमिट कर लिए थे, इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाया, यहाँ तक ही शूट कर पाया। उसके बाद जाके वहाँ पे मेरे को क्वेश्चन वगैरह पूछे बहुत सारे, तो मैं काफ़ी छोटा था इसलिए मैं ज़्यादा सिलेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि खत्म होती है। बोलिए